नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, तीसरा विश्व युद्ध क्या शुरू होने के कगार पर आ गया है। रसिया बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया है। ऐसे में क्या संभावनाएं बन रही हैं, इसको हम लोग आज समझेंगे। इससे पहले मैंने रसिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर वीडियो बनाई हुई थी, तो उसमें काफी चीजें मैंने आपको बता दिया था। यहां पर कुछ और चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, रसिया जो है दोस्तों, ये लगातार यूक्रेन बॉर्डर पर अपनी सेनाएं बढ़ाता जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे, ये रसिया है और ये है यूक्रेन, इसके चारों तरफ ये बेलारूस है और बेलारूस पूरा फुल सपोर्ट में है रसिया के। देखिए, बेलारूस और चाइना दो ऐसे देश हैं जो खुल करके सपोर्ट में आ गए हैं रसिया के। तो यहाँ पर देखिए, बेलारूस है और ये रसिया है। रसिया अपनी सेनाएं लगातार यहाँ पर बढ़ाते जा रहा है और यहाँ पर युद्ध अभ्यास कर रहा है बेलारूस में। और रसिया का कहना यह है कि हम अपना युद्ध अभ्यास अगले 10 दिनों तक जारी रखने वाले हैं और हम युद्ध अभ्यास ही कर रहे हैं, जबकि बाकी के दुनिया भर के जो देश हैं, उनकी जो खुफिया एजेंसियां हैं, वो कह रही हैं कि रसिया अटैक करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। आप देखेंगे दोस्तों, सैटेलाइट इमेजेस आई हैं, बहुत सारे देख रहे हैं आप, ये लगातार सेना अपनी वहां पर बढ़ाता जा रहा है। रसिया के पास दोस्तों टोटल 2.5 लाख की सेना है और इसमें 2.5 लाख की सेना में से ये 2 लाख के आसपास में, लगभग 2 लाख सेनाएं ये यूक्रेन के चारों तरफ लगा दिया है। आप देखेंगे यहाँ पर सैटेलाइट इमेजेस में कुछ इस प्रकार से हैं। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए, कुछ और सैटेलाइट इमेजेस आई हैं। लगातार ये अपनी सेना बढ़ाते ही जा रहा है यूक्रेन बॉर्डर की तरफ। इसमें ये बता रहा है कि हम तो युद्धाभ्यास कर रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर इतनी ज्यादा मात्रा में ये फाइटर प्लेन्स हैं, ठीक है, फाइटर प्लेन्स हैं। इसके बाद इसने बेलारूस में एक ब्रिज भी बना लिया है। अब देखिए, ये प्रियात रिवर बेलारूस में है और इस प्रीपेयात रिवर के पास में इसने अपना ब्रिज बना लिया है। यानी अगर सिर्फ युद्धाभ्यास करना था तो आप ये स्टेबल जैसी चीजें क्यों बना रहे हो, वहां पर ब्रिज वगैरह बनाना और ज्यादा बॉर्डर एरिया में रोड वगैरह बनाना, कैंप्स लगाना, ये सब क्यों हो रहा है अगर आप सिर्फ टेम्पोरली आए हो, सिर्फ 10 दिन के लिए आए हो। तो यहां पर देखिए, इसने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें भी वहां पर ले जानी शुरू कर दी हैं। न्यूक्लियर मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स लगातार ये वहां पर बढ़ाते चला जा रहा है। देखिए, रसिया के पास टोटल 2.5 लाख सेना है और 2.5 लाख में से 2 लाख सिर्फ एक युद्ध अभ्यास के लिए पूरी की पूरी सेना बना करके, मंगा करके लगा देना, ये दोस्तों एक कहीं ना कहीं संशय का विषय है। आप देखेंगे, ये रसिया है, यहाँ पर यूक्रेन है। 2014 में इसने क्रीमिया को, जो कि यूक्रेन का एक हिस्सा था, उसको कब्जा कर लिया था और तब से यहाँ पर रूसी सेना तैनात है। यहाँ पर थोड़ा और देख लीजिए, यहाँ पर रसिया है, ये यूक्रेन है, ये है बेलारूस। बेलारूस में लगातार यहाँ पर बढ़ाते चला जा रहा है रसिया अपनी सेना। इसके बाद यहाँ भी पूरा बढ़ाया ही हुआ है। ये क्रीमिया है, क्रीमिया पर 2014 में ही इसने कब्जा कर लिया था। इसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया था अजोव सी, तो अजोव जो सागर है, अजोव सागर पर भी ये अपनी नेवी उतार दिया हुआ है। यानी यहां तक तो ये पूरा कब्जा किया हुआ है। और जिस दिन फिर ये अटैक करेगा, देखिए चारों तरफ से जब घेरा हुआ है, जिस दिन अटैक करेगा उस दिन यूक्रेन इसके अंदर, एक ही दिन में यूक्रेन इसके अंदर। तो देखिए, इसी वजह से लोग डर भी रहे हैं, बाकी की जो कंट्रीज हैं, जैसे अमेरिका हो गया या फ्रांस हो गया या बाकी ब्रिटेन जैसे देश जो है, वो डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं, उनका ये मानना है कि रसिया जो है ये लगभग पूरा कब्जा कर लिया है चारों तरफ और ये अटैक करेगा ही करेगा। जबकि रसिया का ये कहना है कि हम बेलारूस में अभ्यास कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं और यहाँ पर भी अपना नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसके बाद हम लौट जाएंगे। बीच में रसिया ये भी कह रहा था कि हम अपनी सेना वापस भेज रहे हैं, बुला रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि और ये बढ़ाने लगा लगातार। रसिया देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है। अब जो बाइडेन इस पर कह रहे हैं कि इनकी खुफिया एजेंसियां कहती हैं, जैसे CIA वगैरह हो गई, इनकी खुफिया एजेंसियां कह रही हैं कि रसिया अटैक करने के मूड में है। अच्छा, एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, यहाँ क्रीमिया रीजन में और इसके बाद यहाँ पर भी थोड़ा सा रीजन्स हैं, जो यहाँ पर ये मतलब रशियंस रहते हैं, कुछ रशियन मतलब है तो वो यूक्रेन के, लेकिन वो रशियन विचारधारा के हैं। तो ये लोग क्या किए, ये लोग यहीं अंतर में ही, यानी कि यूक्रेन में ही अपना, जैसे होता नहीं दंगा फसाद, तो वो दंगा करना शुरू कर दिए। और इनके पास मिसाइल्स भी हैं, ये बेलारूस वगैरह में वहाँ के स्कूल, वहाँ के हॉस्पिटल्स, इन सब पर निशाना भी बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। बदले में जब यूक्रेन इनसे लड़ रही है, कॉन्फ्लिक्ट कर रही है और देशों से बता रही है, तो रसिया उस पर साफ मना कर रहा है, भैया ये तो आपके देश के ही हैं उग्रवादी, इनको हमसे क्या मतलब है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं वो रशियन विचारधारा वाले ही हैं और वो चाहते हैं कि रसिया आए यहाँ पर कब्जा करे। तो यहाँ पर यानी गृह युद्ध टाइप का भी छिड़ा हुआ है। क्रीमिया में, क्रीमिया सेक्टर में यहाँ पर रसिया तो तैनात है ही, अजोव सागर में नेवल एक्सरसाइज चल ही रहा है। इसके बाद ये लगातार बयानबाजियां भी चल रही हैं।
अमेरिका जो कह रहा है कि ये हम नाटो का फुल सपोर्ट करेंगे, पूरी ताकत के साथ सपोर्ट करेंगे। नाटो के बारे में मैंने आपको बताया था, ये युद्ध का जो मेन रीजन है वो नाटो ही है। नाटो की वजह से ही ये सब कुछ शुरू हुआ है। क्यों? नाटो दोस्तों एक 30 देशों का संगठन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये 30 ताकतवर देशों का संगठन है। ये इसलिए बनाया गया था कि इन 30 देशों में से अगर किसी एक देश पर कोई अटैक करता है तो ये 300 देश अपने ऊपर अटैक उसे मानेंगे और पूरी ताकत के साथ उस देश पर अटैक करेंगे, इसलिए नाटो बनाया गया था। अब नाटो चाहता है कि यूक्रेन उसमें शामिल हो जाए, यूक्रेन भी चाहता है कि हम नाटो में शामिल हो जाएं, लेकिन रसिया ऐसा नहीं चाहता है। क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि देखिए, रसिया नहीं चाहता है कि नाटो के जो देश हैं वो यहां तक आ जाएं, यानी कि जो यूरोपीय देश में अभी उसमें यूरोपीय देश मैक्सिमम शामिल है, रसिया नहीं चाहता है कि अगर नाटो आ जाएगा, नाटो में ये शामिल हो जाएगा तो नाटो का आधिपत्य यहां तक आ जाएगा, और नाटो का आधिपत्य जब यहां तक आ जाएगा यानी नाटो की सेनाएं यहां तक अपना कंट्रोल पा लेगी, तो फिर रसिया को बहुत सारे चीजों में, बहुत सारे मामलों में दखलंदाजी महसूस होने लगेगी और फिर ये डिस्टर्ब होने लगेगा, ठीक है ना। तो इसलिए रसिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन उसमें शामिल हो। रसिया क्या ये कहना है कि यूएसएसआर जो था जब 1991 में टूटा था, ठीक है ना, 15 देशों में जब ये टूटा था, उससे पहले यूक्रेन रसिया का ही हिस्सा था और ये रसिया जो है, यूक्रेन जो वो हमारा है, हम उसको लेकर रहेंगे, इस बात पर रसिया अड़ा हुआ है, ठीक है ना। और नाटो जो है लगातार मीटिंग्स कर रहा है और इसको शामिल करने पर लगा हुआ है और ये भी देख रहा है, ये भी मौका तलाश रहा है कि अगर ये इस पर अटैक करता है तो हम लोग भी मिल करके रसिया को करारा जवाब देंगे। लेकिन क्या ये करारा जवाब मिलेगा रसिया को? क्या रसिया फ्रंट फुट पे है या फिर रसिया पीछे हट जाएगा, ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं। देखिए, रसिया जो है ये इस समय काफी ताकतवर पोजीशन पर है और ये चारों तरफ से घेरा हुआ है। इसके सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो इसका यही है, ये चारों तरफ से इसको घेरा हुआ है, तो जिस दिन चाहेगा उस दिन पर कब्जा हो सकता है और अपना समझ लीजिए 2.5 लाख में से 2 लाख सेना यहाँ पर उतार दिया है। जो भी बॉर्डर्स पर सेना थी उसको भी ले आकर के यहाँ पर ये उतार दिया है, यानी पूरे मूड में है युद्ध होने के और कभी भी शुरुआत हो सकती है। और उसके बाद फिर ये यूक्रेन जो है ये भविष्य में हो सकता है आपको देखने को मिले कि रसिया का हिस्सा बन गया है। लेकिन अब इससे एक फायदा भी है, अगर ये रसिया इस पर कब्जा कर लेता है तो इंडिया के लिए एक फायदा है। क्या फायदा है? जैसे रसिया का हिस्सा यूक्रेन था, यूक्रेन अलग हुआ था, उसके बाद रसिया उसको वापस ले लिया, ऐसे ही हम लोग भी तो पीओके को वापस ले लेंगे। तो जिस दिन ये ऐसा हो जाता है, भारत भी इस मूड में है, हालांकि भारत न्यूट्रल है इस मामले में, भारत कुछ बोल नहीं रहा है क्योंकि भारत जो है ये शांति का प्रचार प्रसार करता है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो भारत भी अग्रेसिव मोड में आकर के कभी भी ये पीओके को वापस ले लेता है, उसके बाद कोई देश बोलने को राजी नहीं होंगे, कोई बोल नहीं सकता। क्योंकि आप देख रहे हो जैसे अफगानिस्तान में तालिबानियों ने आकर के कब्जा कर लिया, ऐसे ही रसिया यहाँ पर यूक्रेन पर आकर के कब्जा कर लेगा, ऐसे ही फिर पीओके को जब भारत लेने लगेगा तो कोई देश ऐसा नहीं होगा जो बोले, क्योंकि अगर कोई बोलेगा जो एग्जांपल अपने सामने रखे हुए हैं, ठीक है कि भाई जब तुम लोग ले सकते हो, कब्जा कर लेते हो, तब तक तो कोई नहीं बोलता है और हम कर रहे हैं तो आप बोल रहे हो, तो ऐसे में इंडिया के लिए ये फायदेमंद ही है एक प्रकार से अगर देखा जाए तो। हालांकि इंडिया न्यूट्रल रहेगा इस मामले पे, क्योंकि इंडिया यहाँ पर बीच बहुर धारा में फंसा हुआ है। यहाँ अमेरिका तो ये तक कर दिया है कि इंडिया अब जवाब दे, इंडिया जो है अब जवाब दे कि किसकी तरफ से वो है। अमेरिका का ये कहना भी दोस्तों बहुत ज़्यादा कूटनीति से भरा हुआ है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि रसिया और इंडिया के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहे हैं पिछले दिनों में, तो अब इंडिया भी ऐसे बीच बहुर धारा में फंस गई है, क्योंकि इससे तो ज़्यादा रिलेशन है दोस्तों, ट्रेड रिलेशन है, और रसिया से यहाँ पर दोस्तों फीलिंग के साथ जुड़ा हुआ है इंडिया। रिलेशन तो है ट्रेड रिलेशन, लेकिन फीलिंग्स के साथ भी जुड़ा हुआ है, भाई रसिया इतना हेल्प किया है इंडिया की इससे पहले, तो अब भारत को इसने जब डायरेक्टली कह दिया है जो बाइडेन ने कि किसका सपोर्ट कर रहे हो आप बताओ ऑफिसली, तो अब भारत के लिए ये डिसीजन लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि किसको वो कहेगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो फिर भारत जो है ये क्वाड कंट्रीज का भी हिस्सा है और क्वाड कंट्रीज इसीलिए बनाई गई है जिससे चाइना को काउंटर किया जा सके और चाइना भारत का दुश्मन है, तो अगर ये रसिया को बोल देता है इंडिया की रसिया का सपोर्ट कर रहे हैं हम, तब क्वाड कंट्रीज में दिक्कत आएगी, क्वाड कंट्रीज में दिक्कत आएगी तो आगे फ्यूचर में जब हमें चाइना से लड़ना होगा तब हमें प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अमेरिका साफ साफ मना कर देगा कि हम सपोर्ट आपका नहीं करेंगे, हालांकि अमेरिका ऐसा नहीं कहेगा क्योंकि अमेरिका को भी खुद चाइना से टेंशन है, चाइना से दिक्कत है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में ना कोई किसी का सगा नहीं होता है, कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है, ये सब लोग अपने अपने मौके की तलाश पर रहते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसा होता है, कुछ कुछ देश ऐसे होते हैं जिनसे रिलेशंस बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, जैसे रसिया से हमारे आज तक रहे हैं,
हालांकि अभी पिछले कुछ दिनों में, कुछ वर्षों में ये देखा जा रहा है कि रसिया जो है ये प्रो चाइना होता जा रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। अभी चाइना भी देखो, चाइना भी दिमाग खेल गया, चाइना ने खुल करके सपोर्ट कर दिया रसिया का। बेलारूस और चाइना दो खुल करके सपोर्ट में आ गए हैं रसिया के, क्योंकि चाइना ये जानता है कि रसिया जो है ये इंडिया का इस तरह रिलेशन अच्छा है, लेकिन अगर हम खुल करके उसका सपोर्ट कर देंगे तो इंडिया जो है ये नहीं करेगा, या फिर इंडिया थोड़ा सा हेजिटेट होगा कि इंडिया चाइना एक साथ कैसे आ गए, ठीक है ना, अगर विश्व युद्ध होता है तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इस मामले पर पूरी नज़र रहेगी हमारी, आपको समझाते रहेंगे। इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा, यूक्रेन के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। अच्छा, इसमें और भी देशों के राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर लिखे हुए हैं, आप उनमें सबका अगर कोशिश करना जवाब देने का, अगर सबका पता हो तो सबका आप आंसर कीजिए। वीडियो कैसी लगी है आप हमें जरूर बताइए। हमारे पेड बैचेस भी आते हैं, आप अगर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोग के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर का स्पेशल बैच लाया गया है। इस बैच के बारे में ज्यादा डिटेल जानकारी आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी, जाइएगा एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा, वहां पर वीडियो कोर्स सेक्शन में जाना है और इसके बाद कुछ इस तरीके से ओपन होकर के आएगा। आप देखोगे एनटीपीसी सीबीटी 2 का सिलेबस जो है वो बहुत ज्यादा वाइड है और बिल्कुल डिफरेंट है, अभी तक जो भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें बिल्कुल डिफरेंट है ये, इसमें ज्यादा करंट अफेयर को महत्व दिया गया है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से टॉपिक बाय टॉपिक करके सजाया गया है कि क्या क्या पोर्शन से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको एक वीडियो भी दी गई है, आप उसको देख करके डिटेल में समझ सकते हैं कि क्या क्या सीबीटी 2 में पूछा जाएगा। तो आप जाकर के इस कोर्स को ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर ये जो आइकॉन बना होगा, यहां पर कहीं पर भी जाएंगे एप्लीकेशन में तो व्हाट्सएप का आइकॉन बना होगा, इसको टच करेंगे तुरंत व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, आप अपना डाउट पूछ सकते हैं जो भी प्रॉब्लम है इस कोर्स से रिलेटेड या कोई ईबुक से रिलेटेड। हमारे अदर बैचेस भी हैं, इनको भी आप ले सकते हैं। तो वीडियो में बस इतना ही रखते हैं दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी रसिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर हमारी नजर बनी रहेगी और ये पूरी बात मैं आपको सीधे और सरल और आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता रहूंगा। मिलेंगे दोस्तों अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।